प्री मैच रीइजैकुलेशन का कारण क्या है, इसके बारे में बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्री मैच रीइजैकुलेशन अर्थात शीघ्र पतन, अर्थात सेक्स पावर नहीं टिकना, सेक्स स्टैमिना नहीं टिकना, जल्दी वीर्यपात हो जाना, ऐसा उसको कहा जाता है। क्या होता है कि काफ़ी हमें फ़ोन कॉल्स आते हैं, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल्स, और बोलते हैं कि नहीं, अभी हम पति पत्नी अलग हो रहे हैं क्योंकि पत्नी को मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूँ। या ऐसा भी होता है कि ऑलरेडी वो दूर दूर रह रहे हैं, सेपरेट हो चुके हैं और पति अपना सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। क्या होता है कि कोई भी सेक्स प्रॉब्लम हो, उसका मेन टारगेट जो होता है वो होता है पुरुष। पत्नी को टारगेट नहीं किया जाता कभी, पत्नी नहीं आती है कभी इलाज करने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कारण क्या है तो पुरुष में है और उसको ठीक करो, ऐसा बोलते रहते हैं। प्री मैच रीइजैकुलेशन से स्त्री कभी खुश नहीं रहती है, उसको अधूरापन रहता है, फिर झगड़े झंझट होते रहते हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वो बोलती, अभी मैं शुरू भी नहीं हुई, आपने तो ख़त्म कर दिया, और ऐसे इसमें फिर तान तनाव, झगड़े झंझट, संघर्ष आते रहता है। तो फिर इसके कारण क्या है? इसका कारण है, नंबर एक मैं आपको बताता हूँ, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, और नंबर दो जो है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स है। अभी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है उसमें क्या है, एक है चिंता, चिंता फिकर, सेक्स करूँगा नहीं कर सकूँगा उसके बारे में, और उसमें जल्दी हो जाएगा। नंबर दो, बहुत जल्दी जल्दी करना है, ऐसा कई वातावरण सिचुएशन ऐसी है कि उसमें आपको जल्दी निपटाना है, तो एक कारण होता है। तीन, एक अपने कल्चर में, अपने समाज में, अपने संस्कृति में एक ऐसा विचार है कि नहीं ये ठीक नहीं है, और एक अपराधीपन की भावना है, या कुछ तो भी गड़बड़ गलत कर रहे हैं ऐसी भावना है, कल्चरली संस्कार अपने ऊपर ऐसा हुआ है, उसके वजह से होते हैं। नंबर चार जो है वो है कमजोरी, मतलब लैंगिक दुर्बलता, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उसको लगता है कि नहीं अपने जल्दी करना चाहिए, बहुत वीक इरेक्शन आया हुआ है, और इसमें यदि नहीं किया जल्दी और नहीं गिर गया तो जो आया है वो भी चले जाएगा, इसलिए फटाफट वो कर देता है। नंबर पाँच, नया पार्टनर यदि है तो ऐसा होता है, बहुत उत्सुकता ज़्यादा रहती है नया पार्टनर है तो, और उसमें जल्दी गिर जाता है। नंबर छः, पति पत्नी का या मेल फीमेल पार्टनर का आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सामंजस्यता नहीं है, सामंजस्य नहीं है, कुछ तभी खिटखिट पिटपिट हो चुकी है, या समझदार नहीं दोनों भी, सेक्स के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। नंबर सात, बहुत ज़्यादा गैप आपकी पड़ी है, तो यदि पहला सेक्स और सेकंड सेक्स में बहुत ज़्यादा गैप है तो जल्दी हो जाता है। नंबर आठ, आपके ऊपर बलात्कार, अत्याचार, सेक्स अत्याचार, लैंगिक अत्याचार बचपन में हुआ है और उसका बहुत आघात दिमाग के ऊपर बैठा हुआ है। नंबर नौ, एक खुद को एक गिल्ट कि भाई मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, मैं बराबर नहीं कर रहा हूँ, ऐसे विचार आना और वो फिर जल्दी निपटा लो, तो एक अपराधीपन की भावना जो है वो होती है। नौ, और नंबर दस जो है वो डिप्रेशन, डिप्रेशन जो है कि भाई निराशा है और कोई मानसिक बीमारी है समझो, कि वो बीमारी की वजह से फिर जल्दी गिर जाता है। तो ये है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। मैं अभी आपको बताऊंगा बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर में है नंबर एक, पुरानी बीमारी, लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस है तो प्रॉब्लम है ना, पुरानी बीमारी है उसकी वजह से होता है। नंबर दो, हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, तो मतलब थायराइड हार्मोन या सेक्स हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है उसका इम्बैलेंस हो गया तो प्रॉब्लम आता है। नंबर तीन, केमिकल लोचा दिमाग का, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है उसका इम्बैलेंस हो चुका है और उसके वजह से भी ऐसा होता है। नंबर चार, वीर्यपतन की जो संस्था है, मतलब इजैकुलेटरी सिस्टम, वो ज़्यादा एक्साइट हुई उसमें कुछ तो भी प्रॉब्लम है और उससे जल्दी वीर्यपात हो जाता है। नंबर पाँच, पेशाब की नली जो है, पेशाब की नली या फिर प्रोस्टेट, पुरस्त ग्रंथि, इसमें इन्फेक्शन हुआ है, सूजन आई है, तो ऐसा होता है। नंबर छः, नर्वस सिस्टम की जो है वो सर्जरी की हुई है, समझो सर्जरी की है कुछ कारण से, और इसलिए उसके जो इम्पल्स से बराबर जा नहीं रहे तो उसकी वजह से होता है। नंबर सात, कुछ दवाइयाँ आप खा रहे हैं तो उससे भी जल्दी वीर्यपात हो जाता है। तो ऐसे ये बायोलॉजिकल कारण है और उसकी वजह से हो सकता है। मैंने हम देखे कि 10 कारण साइकोलॉजिकल है, 7 कारण बायोलॉजिकल है। अभी इसका इलाज क्या है? इलाज बहुत आसान है। नंबर एक, रिलैक्स। आप कोई रेस में भाग नहीं ले रहे, जस्ट रिलैक्स, शिथिल हो जाओ, दिमाग शिथिल करो। नंबर दो, बातचीत करो अपने पार्टनर के साथ में कि ऐसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दी निकल रहा है। नंबर तीन, दवाइयाँ लो,
कुछ मेडिसिंस है, कुछ लोकल एनेस्थेटिक है, वहाँ आप लेते हैं तो उससे फ़ायदा हो जाता है। नंबर चार, स्ट्रेस कम करो, दिमाग के ऊपर का स्ट्रेस कम करो। उसके लिए मेडिटेशन करना है, हिप्नोसिस करना है, उससे फ़ायदा हो जाता है। पांच, स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक आप करते हो, स्टार्ट स्टॉप स्क्वीज फिर स्टार्ट स्टॉप स्क्वीज टेक्निक करते हो, उससे फ़ायदा होता है। नंबर छः, आसन यदि आप अलग अलग करते हो आसन, तो वो आसन में उसका काफ़ी फायदा हो जाता है। अलग अलग आसन, उसका अलग वीडियो है, तो वो आसन करने से आपका जो प्रियपात है वो आराम से हो जाता है। नंबर सात, जो आपको कीगल्स एक्सरसाइज हम बोलते हैं करने के लिए, तो वो कीगल्स एक्सरसाइज सात। नंबर आठ, यदि आपका बहुत ही इमरजेंसी हो गया अभी है, मतलब इसमें तो शादी टूट जाएंगी, गड़बड़ हो गई है कुछ, तो आपको टाइम बीइंग आप ये कर सकते कि पहले मास्टरबेशन कर लो और मास्टरबेशन करके फिर सेक्स करो, ताकि आपका थोड़ा लेट गिरेगा। तो ये आठ मैंने बताया। नौवां जो है कि पेनाइल रिंग्स है उसका, उसको वापरो, और पेनाइल रिंग यदि आप वापरते तो उससे फ़ायदा हो जाएगा। तो मैंने ऐसे मोटे मोटे नौ इलाज बताया कि वो इलाज आप करते हो तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।